हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। देखिए आज हम लोग क्या बनाने जा रहे हैं। ये है लौका, लौका की डंटी और ये पत्ता है। आज इसी का सब्जी बनाने जा रहे हैं। तो इसको पहले अच्छी तरह से हम लोग धो लेंगे। देखिए दोस्तों, इसको अच्छी तरह से हम लोग धो लिए हैं। डंटी को अलग भूनते हैं, पहले डंटी को भूनते हैं और फिर ये जो पत्ता है अब इसको भूनेंगे। फिर मसाला डाल के इसको अच्छी तरह से हम लोग धो लिए हैं। और यहाँ इसके लिए हम लोग मसाला ले लिए हैं, सरसों, धनिया, जीरा, गोलकी है, चरपत्ता और मिर्ची है लाल। देखिए दोस्तों, इसमें तेल डाल दिए थे और लाल मिर्च का फोरन। देखिए दोस्तों, इसमें तेल का फोरन डाल दिए थे, तेल और मिर्ची डाल दिए थे उसमें। अब ये डंटी डाल दिए, इसको चला के अब भूनेंगे थोड़ा सा भून के। देखिए दोस्तों, ये अब लाल हो रहा है हल्का सा, उसको भूंज के। इधर हमारा मसाला रेडी हो गया था तो इसको और थोड़ा सा भी भूंजेंगे। देखिए दोस्तों, ये हमारा भूंजा गया था तो इसमें मसाला डाल दिए हम। अब इसको धीमे आंच में मसाला भूंजेंगे अच्छी तरह से। धीरे धीरे मेरा मसाला भून जा रहा है तो अब इसमें वो पत्ता जो रखे थे इसका वाला इसमें डालकर फिर भूनेंगे। देखिए, अब बहुत ही खाने में स्वादिष्ट लगता है, आप लोग भी बना के घर पर ट्राई कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, भून जा गया तो अब इसमें पत्ता डाल दिए हैं जो रखे थे। उसको अच्छी तरह से मिलाएंगे। देखिए दोस्तों, जो पत्ता डाले तो उससे पानी हल्का छूटा, अब इसको भूंजेंगे। देखिए दोस्तों, ये मेरा पूरी तरह से भून चुका है और इसमें अब पानी डाल देते हैं। नमक अपना स्वाद अनुसार डाल दिए हैं, आप लोग भी इसको बनाइएगा तो डाल दीजिएगा। और देखिए, इसमें पानी अब डालेंगे। और पानी जितना आपको रखना है, ज़्यादा पानी ऐसे नहीं इसमें उतरता है, नहीं तो फिर स्वाद उतना नहीं लगेगा। वो हम तो इतना पानी डाल दिए हैं। इसको पानी डाल दिए हैं और इसको तोप देते हैं, धीमे आंच कर देंगे। देखिए दोस्तों, ये हमारा रेडी हो चुका है। अब इसको टोक कर और इसको खाएंगे और बहुत ही टेस्टी लगता है। इसका कलर देखिए कितना खूबसूरत है। तो आप लोग को भी अगर बनाकर ऐसा खाना हो तो खाइएगा, बहुत ही अच्छा स्वादिष्ट लगता है चावल के साथ। और ये लौका का डंडी का था। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू।